हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट लेकर आए हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर हम देखते हैं कि रश्मि नैतिक से कहती है, दादा मेरा गिफ्ट कहाँ है, आप तो मेरे लिए कुछ स्पेशल लाने वाले थे ना। तभी नैतिक कहता है, हाँ हाँ लाया हूँ ना, लेकिन बाहर है, अभी मंगाता हूँ। और फिर नैतिक समीर को आवाज़ देते हैं। रश्मि समीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि गायू बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन घर के बाकी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। नैतिक जो है वह समीर को सबसे मिलवाते हैं, और फिर गायू जो है समीर से बहुत सारी बातें करती है और नायरा और मिष्टी से भी मिलवाती है। समीर जो है वो नक्श से भी मिलते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी इधर भाभी माँ जो है वह नैतिक से कहती हैं, मुन्ना तूने कुछ बताया क्यों नहीं बेटा, ऐसे कैसे अचानक से। और अक्षरा भी कहती है कि हाँ नैतिक, कुछ तो आइडिया देते, कुछ तो हिंट देते, कुछ बताया भी नहीं और आप इन्हें यहाँ ले आए। तभी नैतिक जो है वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। लास्ट मिनट तक मुझे खुद ही नहीं पता था कि वो साथ में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि क्या मैं साथ में चल सकता हूँ रश्मि से मिलने के लिए, तो मैं फिर मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि शायद भगवान जी भी यही चाहते थे। जहां एक टिकट नहीं मिल रही थी, वहीं दो टिकट मिल गई। समीर अच्छा लड़का है, सच में रश्मि को बहुत खुश रखेगा। और गायू जो है वह भी उसे बहुत पसंद करती है, और अम्मा आंटी ने भी यही कहा था कि वह लोग भी यही चाहते हैं, और आज नहीं तो कल यह बात तो सामने आनी ही थी ना। तभी इधर हम देखते हैं कि राजश्री जो है वो बहुत ही परेशान और उदास होती है। विसंबर से कहती है, कभी कभी ऐसा क्यों होता है शौर्य के बाबूजी कि सब कुछ जानते हुए भी दिल एकदम बच्चा बन जाता है, जो नहीं मिल सकता उसे ही पाने की जिद करता है। तभी विसंबर पूछते हैं कि आपने राखी भेजी थी ना। तभी राशिरी कहती है कि मैं कभी भूली हूँ जो आज भूलती, कम से कम एक बार फ़ोन ही तो कर सकता था ना रतन, अब कोई और बंधन तो नहीं बचा, लेकिन यह रिश्ता तो निभा ही सकता था ना। यही दिन तो होता है भाई बहन के बीच जब एक दूसरे को बता सकते हैं कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी इधर विसंबर जो है वह राजश्री को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजश्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है और कहती है कि जब तक माँ थी तब तक तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन माँ के जाने के बाद अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हर साल सदियों की दूरी बस बढ़ती ही जा रही है। और इधर हम देखते हैं कि अक्षरा की नानी जो है वह रतन बनकर राजश्री के सामने आ जाती है। नानी जो है राजश्री के भाई बनकर राजश्री को हंसाने की बहुत कोशिश करती हैं, और फिर राजश्री से कहती हैं कि भाई त्योहार के दिन भी कोई उदास होता है, देखो बड़ी बहू उदास होने के हजार कारण हैं और खुश रहने के भी हजार प्रयास, बस ढूंढने की जरूरत होती है। तभी जो है राजश्री और नानी सब वहां पर हंसने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि रश्मि जो है वह नैतिक से पूछती है, दादा या यहाँ पर खुद आए हैं या आप इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। तभी नैतिक जो है वो कहते हैं कि वह खुद ही आए हैं, लेकिन मुझसे परमिशन लेकर। तभी रश्मि कहती है, क्यों दिया आपने परमिशन, क्यों आने दिया उन्हें यहाँ पर, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। तभी देखते हैं कि समीर जो है वह रश्मि से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो कि मैं बिना बताए यहाँ पर आ गया हूँ, थोड़ी एम्बेरस भी हो रही होगी तुम्हारी फैमिली के सामने, लेकिन तभी अक्षरा जो है वह गायू और मिष्टी नायरा को कमरे में भेज देती है। और तभी इधर समीर जो है वह कहते हैं कि रश्मि मैं क्या करता, तुम मुंबई छोड़कर यहाँ पर आ गई थी और फिर वापस मुड़कर भी तुमने वहाँ दोबारा नहीं देखा, हमें कहीं ना कहीं तो मिलना ही था ना, ताकि हम इस बात को कहीं अंजाम तक पहुँचा सके। रश्मि तुम अपनी खुशियों से क्यों भाग रही हो, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना सब लोगों को, और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, इस बात का सबूत तुम्हारी फैमिली है, जैसे मैं बिलीव करता हूँ वैसे ही तुम्हारी फैमिली भी। मैं मुंबई में वह सारी बातें भूल चुका हूँ, मुझसे शादी कर लो रश्मि, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और यहाँ रश्मि जो है वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि समीर जो है वो कहते हैं कि लगता है बुरा मान गई, मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सच कहा है, मैं उसे वाकई में बहुत खुश रखूंगा। नैतिक जो है वह कहता है कि हम जानते हैं समीर, आप चिंता मत करिए, मैं उससे बात करता हूँ
अक्षरा जो है वो कहती है कि समीर आई एम सॉरी, इतना सब अचानक से हो गया ना, उसे ज़रा टाइम दीजिए। तभी समीर कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ, आप लोग प्लीज़ उससे जाकर बात कीजिए, मैं यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ। और फिर नैतिक अक्षरा जो है वह रश्मि के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं कि रश्मि जो है वह फ़ोन पर बात कर रही होती है कि मॉम आपने क्यों बताया दादा को समीर के बारे में, और आपको पता है वह उनको यहाँ ले आए हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। तभी देखते हैं कि अक्षरा और नैतिक जो है वह आ जाते हैं। तभी इधर देखते हैं कि रश्मि जो है वह नैतिक पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, कहती है कि दादा यह आपने क्या किया, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं तब भी बता देती, जो आप लोग चाहते हैं उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नैतिक कहते हैं कि पर क्यों रश्मि। तभी इधर रश्मि जो है वह कहती है क्योंकि मैं और गायू एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अकेले नहीं रह सकती क्या, इतने सालों तक तो मैं अकेले ही रह रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी शादी करना मुद्दा क्यों बन गया है, क्या मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती कर दी है। तभी नैतिक जो है वो कहते हैं रश्मि प्लीज़ ऐसा मत सोचो, और ऐसा नहीं है कि आज से पहले हम लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन इससे पहले ऐसे नज़र में कोई नहीं था ना जिसे इतनी कीमती चीज़ देने का भरोसा कर सके। तभी रश्मि जो है वो कहती है फिर दादा आपने समीर में ऐसा क्या देख लिया, वह भी एक ही मुलाकात में, और वैसे भी क्या गारंटी है वो वैसा नहीं करेंगे जैसा निखिल ने किया। तभी अक्षरा कहती है कोई गारंटी नहीं है, तुम सच कह रही हो कोई गारंटी नहीं है, पर हम कोई मशीन नहीं खरीद रहे, रश्मि तुम्हारा रिश्ता करने जा रहे हैं। और इधर रश्मि जो है वह अक्षरा पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है प्लीज़ आप लोग जाइए और इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी है। और फिर इधर नैतिक और अक्षरा जो है वो चले जाते हैं। और इधर देखते हैं देवयानी राजबन्ना से कहती हैं कि यह लड़का थोड़ा अजीब नहीं है, मतलब इस तरह सबके सामने ऐसी बात करना, कुछ तो लिहाज करना चाहिए ना, देखा ना बात बनने से पहले ही बिगड़ गई। समीर जो है वह आ जाते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, शायद मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, जहां इतने साल तक रुका था वैसे कुछ दिन और रुक जाना चाहिए था। तभी राजबन्ना कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ही है, वैसे भी आपको आज नहीं तो कल यह बात कहनी ही थी, आपने आज हम सबके सामने यह बात कह दी, जो भी फैसला होगा देख लेंगे। तभी देवयानी कहती है वैसे भी ऐसे कैसे अचानक से फैसला कर लेगी, सबकी राय लेनी पड़ेगी और हमें इनके बारे में कुछ पता भी तो नहीं है, वह क्या है ना हम आपके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तभी भाभी माँ कहती हैं कि हाँ बेटा तुम हमारी बेटी से ब्याह करना चाहते हो तो इतना हक तो बनता है ना हमारी कि हम तुम्हें जान ले। और इधर जो है सब एक के बारी एक समीर से सवाल करने लगते हैं, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो वगैरह वगैरह। और समीर जो है वह घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग मुझे जवाब देने का मौका देंगे तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। नायरा और गायू वह आ जाती हैं और कहती हैं कि समीर अंकल हम लोगों ने आपके लिए कुछ बनाया है, आप इसे खा लीजिए। तभी समीर जो है वह कहते हैं कि ठीक है तुम वहाँ पर रख दो गायू, मैं अभी आकर खा लेता हूँ, पहले तुम्हारी फैमिली ने मुझसे बहुत सारे सवाल करे हैं, पहले मैं उन्हें उनका जवाब देकर आता हूँ। तभी नंदिनी जो है वह कहती है कि नहीं नहीं यह सब बातें तो बाद में भी हो जाएगी, आप पहले चलिए कुछ खा लीजिए। और फिर समीर जो है वह चला जाता है। और फिर नैतिक जो है वह अक्षरा से कहते हैं कि अक्षरा आपने क्यों रोका मुझे, बात ख़त्म करने देती ना। तभी अक्षरा कहती है बात ख़त्म नहीं होती नैतिक, बात बढ़ जाती, और आप तो यह रहने ही दीजिए, यह सारी गड़बड़ जो है वह आपकी वजह से ही हो रही है, और नहीं तो क्या, वह शौक में है बेचारी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, आपने अचानक से उसके सामने एक लड़का खड़ा कर दिया है, वह कहता है कि उसे शादी करनी है, या फैसले जो हैं वह बड़े होते हैं, इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, रश्मि को सोचने का टाइम तो दीजिए नैतिक। तभी नैतिक कहते हैं कि हाँ अक्षरा सोचने दीजिए ना, उसे कौन रोका है, समीर बहुत अच्छा लड़का है, उसे बहुत खुश रखेगा और उसे बहुत पसंद भी करता है, ऐसे लड़के को मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। अक्षरा जो है वो कहती है कि नैतिक अगर समीर से उसकी शादी करना लिखा है ना तो कोई उसे नहीं रोक सकता, लेकिन अगर नहीं लिखा है ना तो आप उसे बांध कर भी मंडप में बैठा
उठाएंगे ना तो भी शादी नहीं हो पाएगी। तो नैतिक प्लीज परेशान ना होइए और ना ही हम लोगों को परेशान करिए। अक्षरा से कहते नैतिक जो है अक्षरा से कहते हैं कि अक्षरा मुझे माफ कर दीजिए, मैं भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही मैंने जल्दबाजी कर दी, इसकी वजह से रश्मि आपसे भी नाराज हो गई। तभी अक्षरा कहती है नहीं नैतिक ऐसी कोई बात नहीं है, रश्मि तो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे मना लूंगी। तभी नैतिक जो है वह कहते हैं लेकिन आपको समीर कैसा लगा। तभी अक्षरा जो है वो कहती है अच्छा है, साफ साफ अपने दिल की बात बता देते हैं, इससे यह साबित होता है कि उसके दिल में कोई मैल नहीं है। तभी नैतिक जो है वह कहते हैं कि बिल्कुल यही ख्याल तो मेरा भी है उसके बारे में, तभी तो उसको घर लेकर आया हूँ, बस अब जल्दी से रश्मि हाँ कह दे तो फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। तभी अक्षरा जो है वो कहती है कि हे भगवान फिर से शुरू हो गए, अभी तो आपको मैंने समझाया, आपको क्या हो गया है, आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं नैतिक। तभी नैतिक जो है वो कहते हैं कि बस मैं जल्द से जल्द रश्मि को खुश देखना चाहता हूँ। तभी इधर जो है समीर चाय पी रहे होते हैं और गायू से कहते हैं कि गायू चाय तो बहुत ही अच्छी है, और फिर सबसे बात कर रहे होते हैं। और फिर इधर अक्षरा और नैतिक आ जाते हैं, समीर जो है अक्षरा और नैतिक को देखकर समझ जाते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ मेरी मौजूदगी से अगर कोई परेशानी हुई हो तो, लेकिन एक ना एक दिन यह बात तो निकलनी ही थी, अभी मैं जा रहा हूँ इस उम्मीद से कि आप लोग मुझे दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। और फिर समीर जो है वो जाने लगते हैं, तभी गायू जो है वो कहती है समीर अंकल आपने मुझे कोई शेर नहीं सुनाया। तभी समीर जो है वो गायू को शेर सुनाते हैं और जिसे सुनकर गायू के साथ बाकी के घर वाले भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास हो रही होती है और निखिल के बारे में सोच रही होती है, उसे अपनी माँ गायत्री की भी बहुत याद आ रही होती है। और फिर तभी राजबन्ना जो है वो आते हैं और कहते हैं रश्मि ये लो बेटा रसमलाई खा लो, मुझे पता है तुम्हें यह बहुत पसंद है, चलो अब खा लो, हमने तुझे परेशान करने के लिए नहीं बल्कि तेरी परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए यह बात शुरू की है। मैं जानता हूँ तुझ पर इस समय क्या गुजर रही होगी, मुझे एहसास है इस बात का क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात से गुजर चुका हूँ बेटा, लेकिन बेटा हम सब मुन्ना बहू और बाकी के सब घर वाले तेरी भलाई चाहते हैं। और तभी रश्मि जो है वो कहती है कि बाऊजी आप भी उन्हीं की साइड ले रहे हैं। तभी राजबन्ना जो है वो कहते हैं नहीं बेटा अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है, एक हम सफ़र तो होना ही चाहिए ना बेटा, गायत्री जी के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट सा गया था, एक खालीपन सा आ गया था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन तुम्हारी छोटी माँ ने देवयानी जी ने इस खालीपन को भरा है अपने स्नेह से अपने प्रेम से, सुख दुख बांटने से सुख बढ़ता है, यह वक्त है ना बेटा इसकी रफ्तार बहुत ही तेज है, यह अपनी रफ्तार में ना सब कुछ उड़ाकर ले जाता है, इससे पहले कि बेटा तू बहुत पीछे छूट जाए तेरा सब कुछ पीछे रह जाए इस वक्त को पकड़ ले बेटा। तभी रश्मि कहती है बाऊजी मैं एक माँ भी हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है, यह क्या गलत नहीं होगा। तभी राजबन्ना कहते हैं शुरू में जो बात तुम्हें गलत लगे जरूरी नहीं बेटा वह हमेशा ही गलत लगे, बिगड़ी हुई बात को सवार भी सकते हैं बेटा, चलो अब रसमलाई खा लो और मीठे मन से सोचो। इधर हम देखते हैं कि नक्श जो है वो अपने फ्रेंड पर गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरे साथ धोखा किया, मैंने कल तुझे कितना कॉल किया था पर तूने कॉल क्यों नहीं उठाया, तू तो मुझे कल शाम को पैसे वापस देने वाला था। तभी नक्श का जो दोस्त है वो कहता है कि मैं कल पैसे अरेंज नहीं कर पाया, मुझे कल किसी से ट्यूशन फीस मिलने वाले थे लेकिन दिया नहीं इसलिए, और वह जैसे ही उसने मुझे पैसे वापस दिए मैं तेरे पास आ गया वापस करने के लिए, सॉरी यार। तभी नक्श जो है वो कहता है कि इट्स ओके, अगर यह बात थी तो तूने मुझे कॉल कर साफ साफ क्यों नहीं बताया। तभी इधर नक्श जो है वह अक्षरा को पैसे वापस देता है, मम्मा यह लीजिए पैसे आ गए वापस। तभी अक्षरा जो है वो कहती है कि देखा अच्छी नीयत जब कुछ करो ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है, डुगू यह पैसे तुम्हारे हैं तुम ही रखो। और यहाँ पर जो है एपिसोड खत्म हो जाता है, और आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।